दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो? ठीक यस सर। चलिए, एक एक करके स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, एक एक करके आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, प्रत्युष स्टार्ट बोलिए। सर फर्स्ट का है आई एम पोजीशन। नॉट एबल टू हियर वेरी क्लियरली, थोड़ा सा जोर से। यस सर। सर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, चलिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बोलिए। इवन दो इट्स रिविजन, नो इश्यू। एक एक करके। हेलो, आई एम नॉट एबल टू। नहीं सुनाई दिया मुझे, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। हेलो, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहे हैं? सब लोगों को? नो सर। थोड़ा ये तो दिख रहा है, इंटरनेट बहुत कम स्पीड आ रहा है। क्लाउडी डे है क्या आज? क्लाउडी डे तो है। ठीक है चलिए, फिर से बोलिए। अंजलि स्टार्ट। हेलो, ओके अंजलि इज डिसकनेक्टेड। सात्विक आप बोलिए डिस्प्लेसमेंट का। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट, स्ट्रेट लाइन। ओके शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। ओके और शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड, और कहां से कहां? फ्रॉम The initial इनिशियल position पोजिशन of टू फाइनल पोजिशन, final बिकॉज इट्स अ position. वेक्टर क्वांटिटी, इट इज, इट शुड हैव डायरेक्शन आल्सो। ठीक है ना? क्लियर है? Yes. यस और नो? इट्स Yes, नॉट sir. Yes. जस्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट इट इज हैविंग डायरेक्शन आल्सो, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। क्लियर है? यस और नो? सब लोग? Yes. Yes, sir. ओके चलिए अंजलि, डिस्टेंस। हेलो, द एक्चुअल पाथ गोन बाय अ बॉडी आपने कुछ बोला, ठीक है ना? एक्चुअली आवाज तो ज्यादा आ नहीं रहा, लेकिन ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंगे ट्रेवल में। ओके वेलोसिटी, जल्दी स्टार्ट। इट इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गुड। सत्वे, स्पीड, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। It is a scalar quantity. Distance covered. Okay, ठीक है। हाँ बोलिए। It is a scalar quantity. Yes, sir. हाँ, acceleration. Anjali. Hello. नहीं सुनाई देना। नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है। प्रत्युष आप बोलो। जब आपका आएगा ना, तो आप दोनों, आपका ये दोनों है बचा हुआ। ठीक है चलो बोलो प्रत्युष, नेक्स्ट। सर इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके सो इट व्हाट इट टेल्स इज, इट टेल्स एट व्हिच टाइम व्हाट पोजीशन द ऑब्जेक्ट इज। ओके गुड। सात्विक, टेबल। पोजिशन टाइम टेबल, अ टेबल विच हैज क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ यस, सो टेबल इज अगेन, यू नो इट्स इन टैबुलर फॉर्म वी एक्सप्रेस इट। ओके द टाइम, टाइम एंड दिस इज द पोजिशन। ठीक है, दैट्स व्हाट इज द टैबुलर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सेम टेबल कैन बी ड्रॉन एज अ ग्राफ ऑल्सो। ओके
However, graph is a more exhaustive way. Okay, it can be more exhaustive way also. Okay. Graph table. Haan. Equations of motion. Pratyush. Sir, इसका नहीं लिखे हैं. इसका आप नहीं लिखे हैं? No sir. तो लिखना चाहिए ना इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्या होता है. सो दीज आर द इक्वेशंस. ओके सो डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम. ओके 10 वेज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिटन बिलो. अगर मैं लिखूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, एंड आई हैव रिटन द इक्वेशन s. मैं इक्वेशन लिखता हूं s इक्वल्स 10 t प्लस 5 t स्क्वायर. तो आप मुझे बता सकते हो ना u क्या है और a क्या है? ये yes. बता सकते हो यस और नो? यस सर. हेलो सब लोगों को सुनाई दे रहा है यस और नो? यस सर. तो दिस इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो अ वे ना बाय विच वी टेल. ठीक है, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, और अगर मुझे टाइम दिया रहे है ना, तो हर एक टाइम पे किस पोजीशन पे ये पार्टिकल रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वो भी मैं बोल सकता हूँ. सो दैट इज ऑल्सो अ वे बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर है यस और नो? यस सर. ठीक है, अगर यहाँ पर ना ये प्लस फाइव है तो ये हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन. यस सर. ठीक है, अगर yes. यहाँ पे वही माइनस हो जाता तो हम लोग बोलते हैं दिस इज डी एक्सेलरेटेड मोशन. यस सर. ठीक है, क्लियर है यस और नो? मतलब कि स्पीड इसमें बढ़ रहा है, इसमें स्पीड घट रहा है. क्लियर है यस और नो? यस सर. ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन इस पे मैं भेजता हूँ, बताता हूँ. दिख रहा है यस और नो? यस सर. ठीक है, नहीं आवाज इतना कम क्यों है? यस सर. अभी आ रहा है आवाज? यस सर. यस सर. नाउ इट इज बेटर ना? यस सर. अंजलि आप बोलो, आपका आवाज देखते हैं आते हैं. ठीक है, चलो दीज आर द फोर, चार मोशन मैंने बताया, एक के दो तीन और चार. इसमें अब बताओ किसका स्पीड है ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और किसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, चलिए बोलिए किसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है और किसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर. सर फर्स्ट नंबर में इंक्रीज हो रहा है. सर फर्स्ट सेकंड. एक मिनट एक मिनट, थोड़ा एक मिनट सोचिए उसके बाद फिर बोलिए. ठीक है. यस सर. थोड़ा सा सोचिए. ठीक है, बोलिए किसमें स्पीड इंक्रीज हो रहा है, किसमें स्पीड डिक्रीज हो रहा है. हेलो. यस सर. बोलिए इंक्रीज किसमें हो रहा है, डिक्रीज किसमें हो रहा है. सर फर्स्ट और सेकंड में इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट और सेकंड में स्पीड इंक्रीज है, और डिक्रीज सर थर्ड और फोर्थ में. थर्ड और फोर्थ. ठीक है, ये प्रत्युष का आंसर. अंजलि आप बोलो. अंजलि और सात्विक आप दोनों. मेरा भी सेम है. अंजलि का भी सेम. सर फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में स्पीड इंक्रीज हो रहा है और सेकंड और थर्ड में डिक्रीज हो रहा है.
फर्स्ट और फोर्थ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड थर्ड में डिक्रीज हो रहा है. यस, दिस इज द आंसर. करेक्ट, दिस इज द आंसर. ठीक है, दीज आर रॉन्ग आंसर्स. क्योंकि देखो इसमें जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है ना. तो जिधर जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, तब फिर स्पीड इंक्रीज होगा. इसमें देखो वेलोसिटी किधर है, इधर है, आप एक्सेलरेशन इधर दे रहे हो, स्पीड डिक्रीज होगा. इसमें वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन आप इधर दे रहे हो, डिक्रीज होगा. इसमें वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो स्पीड इंक्रीज होगा. यू आर गेटिंग? यस सर. ओके, चलिए, गुड, वेरी नाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज डन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अंजलि बोलो आप. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, yes or no? Hello, Anjali, you are able to hear? Yes or no? नहीं, उनका yes, sir. Follow velocity time graph. So the VT graph of an object shows the velocity of an object at a particular time instant. The slope of VD graph gives acceleration and the area under it gives the displacement. The slope of VT graph gives the acceleration. It can give acceleration. It can give. It may not give also. जैसे कि मेरा velocity time graph ऐसा है, है ना? ये छोटा सा बस एक dot है. Because I just have one information. 10 seconds पर ये 10 meter per second से जा रहा था. Okay, so this is a very simple graph. So it can give, but it is, you know, you cannot make it, you know, a rule that VT graph को acceleration देना ही पड़ेगा. No, समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes. Yes, sir. And in a very simple sense, velocity time graph is nothing but, you know, the time at what time, what is the velocity of the particle? That's velocity time graph. Okay, now. Based upon my observation, based upon my recordings, I plot this graph. So now my recording is subjected to, you know, it can be many factors may be there. Aur ho sakta hai ki keval ek hi point mein liya hu, pay attention. Getting na? So in a very simple sense, velocity time graph is time hai aur velocity hai, hai na? And there is, it is a depiction of time versus velocity or velocity versus time. Okay, and it can give, okay, it can give. So it gives and it can give me antar hai, samajh aa raha hai? Yes sir. Okay, so it can give us the slope of VT graph can give us acceleration. Clear hai, yes or no? Yes sir. Yes yeah. sir. Ah, okay. Chali, Pratyush, start please. Sir, second question. Second question. What is the cause of motion? Force is the cause of motion. Why? Sattvik. Sir, it is the it happens so. It is the cause of motion because the force is defined as the act of pull or push upon an object, which may change the state of its rest or motion. तो basically क्या होता है कि force के कारण क्या हो जाता है? Force के कारण v equals u plus at हम लोगों ने पढ़ा है. तो जैसे ही acceleration हुआ, force के कारण acceleration आएगा. Acceleration is equal to force divided by m. इसके कारण क्या हो जाएगा? Velocity change हो जाएगा. और velocity change होने के कारण क्या हो जाएगा? Position change हो जाएगा. और position change को ही हम लोग मोशन बोलते हैं. समझ आ रहा है?
So what function is this? And how it causes? What is the flowchart? This is the flowchart. Clear hai? Yes or no? Yes, sir. Force ke karan acceleration aaya. Acceleration ke karan velocity change hua. ठीक है, वेलोसिटी चेंज के कारण तब फिर पोजीशन चेंज हुआ. पोजीशन चेंज होने के कारण, पोजीशन चेंज होने को ही हम लोग मोशन बोलते हैं. क्लियर है? यस और नो? यस सर. अरे एक्चुअली ये तो सी का आंसर था, मैं इतना बोल दिया. ठीक है चलो, सी का तो मैं दे ही दिया. डी बताओ. हाँ डी थोड़ा इंटरेस्टिंग. अच्छा ये लिखना है, लिख लो. दिस इज द फ्लो चार्ट. If you want to write down, you please write down. You're getting yes or no? Yes, sir. Okay. Liklo. Okay, there is a question. Is it important that the cause of every motion is force? For example, when we split water on the floor, then water moves without the presence of force. Water moves under the force of gravity. So therefore, wherever the slope of floor is there, that's what causes the motion of the water. Clear hai? Yes or no? Yes, sir. And, yes. And gravity and any floor is never, you know, perfectly horizontal. Perfectly horizontal, you know, or perfect 90 degree or perfect 180 degree and all, these are idealistic conceptions. Clear hai? Yes or no? Yes, sir. Okay. Nothing is perfect. चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए. व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? बोलो. मतलब कि फोर्स का कॉज क्या है? सो एनर्जी. फोर्स का कॉज क्या है? तो ये थोड़ा सा हम लोग, मतलब कि ये इट्स नॉट दैट मच. एक्चुअली यू विल ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर द कॉज. लाइफ इज द कॉज. समझ में आ रहा है? लाइक फॉर एग्जांपल, लेट अस से कार. कार रन्स बाय फ्यूएल, करेक्ट? Yes or no? Yes, sir. Okay. However, there is required someone who has to press the button. You're getting? Or who has to insert the key. You're getting? Yes, sir. Okay. This key has to be inserted, or, you know, the button has to be, you know, like pressed. On button has to be pressed. Okay. The self has to be pressed by some. Okay? Chalo, anyway, this is something. Okay, go ahead. Third A, define gravitation. Start, Pratyush. Gravitation is a force of attraction between any two objects and is proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between their centers. Is gravitation inherent property or acquired property of an object? Sattvik. So I think yes, the gravity is an inherent property of an object. Correct. As because when it comes in contact of another object, it starts attracting the second object towards itself with a force that is equal to the gm multiplied by m by r square units. Correct. So it is an inherent property. Inherent property means what? वो पहले से ही है, ठीक है? जैसे कि you are having a ball and the ball is of white color, and what you did
is that you painted the ball in red. So the color of the ball, the red color is an acquired property. It's not an inherent property. But gravitation is an inherent property. As soon as the ball has come into existence, gravitation is there. Gravitation is pe act karna start kar diya. ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि नहीं स्पेस में अगर कोई है तो नहीं लग रहा है, नहीं उस पे भी ग्रेविटेशन लग रहा है, स्पेस ऑल्सो ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन उसका आर इतना बड़ा हो जाता है ना, जिससे कि कारण क्या हो जाता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज नॉट जीरो, नहीं जीरो नहीं होता है, बट इट इज ऑलमोस्ट जीरो. समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Sir, आ रहा है. You're getting? So, gravity. Okay, so as soon as the ball is there in existence, gravitation starts acting. So that's what it means, that it is an inherent, innate, inseparable property of an object. ठीक है? Clear है? Yes or no? वेन कैन ग्रेविटी एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट? मेंशन द ओनली रीजन बिहाइंड इट. बोलो, वेन कैन ग्रेविटी एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट? मेंशन द ओनली रीजन बिहाइंड इट. बोलिए सर. मैं बताऊं? बोलो. द ऑब्जेक्ट हैज नहीं, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम मास. दैट्स इट. जस्ट यू नो, mass is there, that is the only reason that gravitation should act, nothing else. It can have color, it may not have weight also, kyunki g zero hai, g zero ho jayega in space, g is zero, so it may not have weight also, but only mass is there, gravitation starts acting. Clear hai? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Good. Chaliye aage. 4A. ओके, चलो प्रत्युष बताओ. 4A. सर, सिस्टम्स इन आवर बॉडी, फर्स्ट नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, lymphatic system and pumping of blood from our heart. Amazing, amazing, wonderful. Okay, yes, then activities done by other person externally. Sir, running, walking, cycling, jumping, reading, writing, watching, clapping, speaking and hearing. Okay, wonderful. Again, now you tell, what is the primary thing required by the body to perform such activities? Anjali, sir. Anjali, bolo. So the primary thing required. Primary thing required by body to perform such activities is energy. Energy. From where does this energy come? Sattvik. Sir, it comes from the process of respiration. During the respiration, the food particles break down. That's okay. Something okay. More. Before that, respiration or digestion, both. Okay, something even before that, from where the energy comes. What is the source of energy? Hey, likha hua jo hum log pad rahe the usi mein tha. What is the source of energy? See, respiration is a process, but you know, like outcome is energy. What is the input? You're getting na? Sir, food, that is the point. Okay, food is the source of energy. Clear? Yes or no, sab log? Yes sir. Okay, so that's why you see all these things, you know, cardiovascular, lymphatic and nervous and you know, cerebral and heart and you know, skeleton or whatever, you know, we may do all kinds of studies and all, but then we should understand the basic sustenance, you know, is from food.
So therefore, we should have very, very much respect for farmers. You're getting? Sometimes, yes, you know, we kind of, you know, tend to neglect this. But you see, if we understand, we go deep in science, we really understand the importance of the basic functionalities of a human society. Okay? But people who don't know much of science, they immaturely, you know, like deal with the different sections of the society. You're getting? So we should have a very clear-cut understanding of the contribution of all aspects of all people, you know, in our lives also. So hum log bhi jo kha rahe hain, hum log bhi, so all these 10 plus 10, you know, these 20 activities are done by us also, and can be much more than that. So we should be ever grateful for to the farmers and, you know, to the different people who are involved in giving us and getting us food. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. In order to do work or perform an activity, energy is required. Prove that it is. This statement is true for machines also. Can you bole? Machines also need some form of energy to work, like petroleum or solar energy. If they are not provided with them, they stop working. Oh, good. So B, what is the source of energy for them? Suspect. Sir, it can be renewable or non-renewable. Renewable like solar, tidal, wind or hydro energy, whereas in non-renewable, it can be petrol, diesel or coal, etc. etc. List few machines which use such sources of energy. Anjali? Hello? Anjali? बोलिए थर्ड सर मैं बताऊं बोलिए सर इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर फैन ब्लोअर पंप्स एक्सेट्रा ओके गुड डी देयर आर अदर मशीन्स व्हिच डोंट यूज फ्यूल व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम बोलिए सर एफर्ट्स डन बाय अस एफर्ट्स डन बाय लिविंग एंटिटीज ओके लिविंग यस सर Okay. And then we go. I think ये last है ना sixth वाला. चलिए बोलिए. Yes sir. बोलिए sixth वाला. We have created battery. Name some of the operations done by the use of batteries. Pratyush. Sir working. बोलिए. So working of a remote control, starting a car or any other vehicle. Used in houses to light up when electricity is cut off with the help of inverters. Good. List various types of sources of energy present in the nature. Sir, solar energy. Wind energy, sir. Wind energy, yes. Sir, hydroelectric energy. Hydroelectric energy, okay. Sir, biomass energy. Okay, good. See, the amount of energy emitted by the sun in 1 second is greater than the entire energy consumed by the mankind till now from all the past known years. Can you imagine the energy of sun present in nature? Can you imagine? Samajh mein aa raha hai? Kitna energy hai sun ke paas? Yes or no? Yes, sir. Okay. Name few ways to harness the energy emitted by the sun. What are the ways? So there is solar energy is there. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there is solar energy is there. जिससे कि हम लोग harness करते हैं. In fact, if you really understand that anything which catches fire has sun behind it. Okay. ये थोड़ा extra information. Anything which catches fire
has sun behind it. चलिए बताइए, what are the things which catch fire? सर wood. Wood है ना? तो wood देखो कैसे होता है. So wood is you know the wood absorbs sunlight. That's why it gets fiery. और बोलिए. बोलिए. And the same wood when it is you know like for years and years it is coal. Under pressure the same wood becomes coal or you know and then again you know petroleum and all. So everything actually if you see the you know, sun is behind everything. Okay, so coal is also nothing but the energy, condensed energy of the sun only. You're getting yes or no? Yes sun, na? Coal and petrol and all. So now we go ahead and we start our theory part. Okay, kuch bhi question hai? No sir. Question? No question? Any doubt? No doubt? Any clarification? No clarification? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था. नाउ वी गो टू okay, is it visible? The book is visible to everyone? Yes sir. Yes 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 sir. So hum logo ne pehla introduction pad liya tha. Theek hai, now we go ahead. Okay, so what is work? Okay, so let us try to understand this term work. काम करना क्या बोलते हैं एग्जैक्टली होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस. साइंस में हम लोग जो वर्क यूज करते हैं और जो डे टू डे लाइफ में हम लोग वर्क का डेफिनेशन लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. ठीक है, डिटेल्स बाद में देखेंगे लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ. आप ने एक आप क्या किए, आप ओके सपोज आप कुछ लाने के लिए है ना मार्केट गए. ठीक है, कुछ काम के लिए, कुछ काम से आप मार्केट गए घर के काम के लिए. ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही है ना लाइक obedient हो, तो जो भी आप है ना whatever was said in your home you do it. और आपको बोला गया कि आज ये हम लोगों को चाहिए, ये important चीज, तो आप क्या कहे, आप क्या किए, you went to market. clear है? yes or no? समझ आ रहा है? yes sir. मैं बोल रहा हूँ. okay, आप कहाँ गए, आप गए market. फिर market से आप है ना सारा कुछ है ना सब्जी वगैरह सब कुछ अच्छे से झोले में लेकर के then you came back to your home. okay, you came back to your home. और आप पहले लेटे हुए थे, फिर आप जब आए वापस तो आप थक गए थे, फिर से आप जाकर के लेट गए, तो और आप पसीना पसीना हो गए हो. ठीक है, मेहनत किया आपने. ठीक है, तो आपने बहुत काम किया है ना, सब लोग आपको बोल रहे हैं चलो आपने इतना काम किया, बहुत काम किया है ना, आप लोग एक लड्डू खाओ. ठीक है, लेकिन पता है फिजिक्स के टर्म्स में आपने कितना काम किया, जीरो.
You're getting? Hello? Yes, sir. Anwar, yes, sir. Yes. Physics के terms में आपने काम किया zero, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं details बता ही देता हूँ, क्योंकि क्योंकि physics के definition के अनुसार work done होता है force into displacement. और आप घूम करके फिर वापस उधर ही आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो. समझ में आ रहा है? यस सर. आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को? यस सर. ठीक है, तो कितना हो गया वर्क डन? जीरो. समझ में आ रहा है? यस सर. नो? यस सर. ठीक है, यस सर. हम लोग इसको जानने का कोशिश. So what is work? There is difference in the way we use the term work in day-to-day life and the way we use it in science. To make this point clear, let us consider few examples. Chaliye example par. So Kamli is preparing for examinations. She spends lot of time in studies. She reads books. She reads books, she draws diagrams, she organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discusses problem with her friends, and performs experiments. She spends a lot of energy on these activities. In this parlance, she is working hard. In common parlance, she is working hard. Okay. So, in common words, what she is doing is, she is working hard. Clear hai? Yes or no? ना कुछ कर रही है भाई, वो डायग्राम ड्रॉ कर रही है, थॉट को ऑर्गेनाइज कर रही है, क्वेश्चन पेपर कर रही है, कलेक्ट क्लास अटेंड कर रही है, प्रॉब्लम फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही है, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही है ना. हेलो. यस यस सर. यस सर. ठीक है, तो बताओ वर्क हार्ड कर रही है कि नहीं, बताओ. नो सर, अगर फिजिक्स के टर्म्स में देखे तो. ठीक है. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of work. Okay? तो हम लोग अभी आपका कौन सा क्लास चल रहा है बताइए. Physics. Physics. ठीक है, तो here we are dealing with physical terms only. So when we talk about work, we will be dealing with physical work. So physics is one of the fields of studies. There are different, you know, hundreds and thousands or whatever, you know, many levels are there, many fields are there. Okay, so isme agar gaur se dekhiye, she is having mental work also. She is having intellectual work also. Okay. And she is having, you know, some social work also. But our domain of discussion, our field of discussion, our focus of discussion, our camera will catch only the discussion which is about physics. You are getting yes or no? समझ में आ रहा है? हमारा जो डोमेन है बहुत छोटा सा है ना. वो आदमी का डोमेन बहुत बड़ा है, he is doing hundred of activities, but we have to catch only the physics one, and that's why according to physics it's little work, not according to the universal definition and universal understanding of, you know, all fields. अगर हम लोग सारा field अगर हम लोग gather करें, है ना, research करें, है ना, कि respiration में भी कुछ हो रहा है, biological भी एक work हो रहा है कुछ, है ना, biological work चल रहा है ना, तो ये सब अगर हम लोग calculate करें तब फिर it can be, you know, good amount of work. But here what we are talking about is, we are talking about only physics. That's why the physical definition of work is very less. समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes sir. हाँ?
हम लोगों ने अपना डोमेन को बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? जैसे कि ठीक है, फॉर एग्जांपल है ना, जैसे कि एक बॉलर है, ओके, बॉलर इज बॉलिंग गुड और नॉट, कैसे पता चलेगा? एक बॉलर ने अच्छा बॉलिंग किया, ठीक है, उसने एक ओवर डाला, उसने अच्छा बॉलिंग किया, कैसे पता चले आपको, बताइए सर? अगर वो कम रन दे रहा है पर ओवर में, हाँ, और विकेट ले रहा है, ठीक है, कम रन दे रहा है, ठीक है, ना हो सकता है कि बहुत अच्छा बैट्समैन हो उसके अपोजिट में, हो सकता है कि उसके उसके जो विकेट कीपर हो ना बहुत घटिया विकेट कीपर हो, है ना, नाउ ही मे बी काइंड ऑफ यू नो ही मे बी, और नहीं तो हो सकता है कि फील्डिंग बहुत ही घटिया हो, है ना, तो सो द पर्सन द बॉलर मे बी डिलीवरिंग द बॉल एट मे बी 170 किलोमीटर पर आवर द हाईएस्ट, बट वॉट इज आवर डेफिनेशन ऑफ गुड ओवर और गुड बॉलिंग? उसका रन रेट, हम लोगों ने अपना डेफिनेशन को बहुत लिमिट करके रखा है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर. देर कैन बी नो देर इज नो देर इज यू नो देर कैन बी मल्टीपल वेज ना, जैसे कि एक 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 लड़का है ना, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो अच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने हम लोग का क्या डेफिनेशन हो जाता है, some many times what happens it marks अच्छा ला रहा है तो अच्छा है, you're getting yes or no, है ना, हम लोग को the definition is dependent upon you know like our domain, है ना, लेकिन हम लोगों ने क्या fix करके रखा, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी work में क्या fix करके रखा है, हम लोगों ने fix करके रखा है physical work, because we are having physics subject, तो physics के अनुसार से उसका जो वर्क है वो कम है, समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. गेटिंग ना? ठीक है. यस सर. सो डज इट मेक सेंस? आई यूज्ड सम एग्जांपल्स टू मेक सेंस, क्लियर है? यस और नो? यस सर. यस सर. ठीक है. ओके ओके. Okay, so you are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of rock, as there is no displacement of the rock. Okay, again, this is according to physical definition of work. Okay, aapka heartbeat bada, रेस्पिरेशन बढ़ा, मसल्स के कारण कुछ एनर्जी स्पेंड हुआ, मसल्स ने कुछ वर्क किया, है ना, लेकिन ये सब काउंट नहीं होगा क्योंकि वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद फिजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर. वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद फिजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क व्हिच टेल्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है? Clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. You get tired. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? This, the way we understand the term in science, work is not done. क्योंकि displacement कुछ हुआ ही नहीं भाई ना. अब तो एक जगह खड़े हो लेकर के load हो जा. समझ में आ रहा है? लेकिन आपने कुछ displacement ही नहीं किया. Zero हो गया. क्लियर है? यस और नो? यस सर. है ना? चलिए आगे बढ़ाते. यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस, है ना, एंड यू रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर. यू मे इवन क्लाइंब अप अ टॉल ट्री. इफ यू अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व लॉट ऑफ वर्क. लेकिन अगर फिर से वापस आ गए वहां पे, है ना, ट्री को क्लाइम किए फिर से वापस अपने जगह पे आ गए, जीरो वर्क हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क. एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड,
talking with friends, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be work. What constitutes work depends on the way we define it. You know? Clear it? So what way we define it. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activities. चलिए अभी activity करते हैं. ठीक है ये सब clear है अभी तक? Yes sir. Yes. So we have discussed in the above paragraphs a number of activities which we normally consider to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask the following questions and answer them. What is the work being done on? What is happening to the object? And who is doing the work? ठीक है ये question आप लोग पूछ लेना. चलो scientific conception of work. To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. ठीक है चलो अभी समझते हैं क्या क्या situation होगा भाई. Push a pebble lying on a surface. ठीक है तो ये ground है और यहाँ पर pebble है. इसको push करो आप. The pebble moves through a distance you exerted. ठीक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है ये डेफिनेशन वगैरह सब आ जाएगा क्योंकि ये पढ़ाने के बाद फिर है ना ये पढ़ाना इम्पोर्टेंट है कि वर्क डन इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है तो आप लोगों का क्लास कब है? नेक्स्ट सैटरडे को ना? कब होता है? सैटरडे करेक्ट? यस सर. तो फाइन वी मीट ऑन सैटरडे और इसके ऊपर है ना सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन ले देंगे और सब कर लेंगे. ठीक है Yes. But these questions will be simple only. We will not spend, you know, time much in discussion next time. तो ये क्या इधर मैं है ना इसको कवर करना है फिर इसको तो केवल ये कवर करूंगा ये नहीं करूंगा तो अधूरा हो जाएगा है ना. मतलब कि कुछ ये नहीं होगा मतलब कि थोड़ा सा ये लगेगा empty लगेगा है ना. जैसे कि अभी ये इधर बोल रहे हैं ना कि this is not work. तो why it is not work? वो एक्सप्लेनेशन बाद में है ना. पहले अगर एक्सप्लेनेशन अगर हो जाता तो फिर हम लोगों को इजी समझ में आ रहा है ना. यस सर. लेकिन अभी थोड़ा सा गेस वर्क हो जाता है. लगे ठीक है ओके इट्स गुड दैट यू नो क्यूरियोसिटी इज देयर. ओके ठीक है सो व्हाट वी विल डू इज नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस. ओके ठीक है तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन कोई डाउट कुछ भी क्लेरिफिकेशन डन Nothing? No, sir. If it happens, then next class will ask you. No, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir.